नंबर 1, पानी की बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों होते हैं? आपने भी इन 3D लाइंस को नोटिस तो किया ही होगा, और आपको लगता है कि ये स्टाइल के लिए तो एक तरह से जी हाँ। इसी के साथ ये बोतल को मजबूती प्रदान करता है। पानी की जो बोतल होती है ये हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनी होती है, जिससे इस पर थोड़ा भी दबाव डालने से ये पिचक सकती है, इसलिए लाइंस बनी होती है। इसी के साथ ये लाइंस अपने ब्रांड को दूसरों से अलग दिखाता है, इसीलिए सभी पानी की बोतलों पर डिजाइन अलग अलग होता है, और तो और इनका शेप भी अलग अलग होता है। और इसका एक और काम है जो कि है ग्रिप। ये कर्व लाइन वाली बोतलें हमें बहुत ज्यादा ग्रिप देती है और इन्हें पकड़ना बहुत ही आसान होता है। नंबर 2, जब भी फ्रूट या सब्जी का जूस निकाला जाता है तो उस पर कुछ इस प्रकार की फोम आ जाती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? दरअसल जो आजकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूस निकाले जाते हैं वो ऑटोमेटिक यानी कि मोटर वाले मिक्सर या जूसर से निकाले जाते हैं। ऐसे में जब भी जूस निकाला जाता है तो उस मिक्सर से हवा निकलती है जो कि उस जूस में जाके मिल जाती है, जिससे कि ये फोम क्रिएट हो जाती है। और तो और जो मिक्सर ज्यादा पावरफुल होगा यानी कि जो ज्यादा तेज घूमता होगा उसके अंदर निकलने वाला जूस काफी ज्यादा फोम वाला होगा, इसीलिए जिस जूस को हाथों से या फिर हाथ वाली मशीन से निकाला जाता है उसमें फोम बहुत ही कम होती है। नंबर 3, आपको शायद नहीं पता होगा कि शाहरुख खान 555 वाले नंबर कार को छोड़कर दूसरी कारें कभी नहीं चलाते हैं। जब चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में उनकी बाइक के ऊपर 555 नहीं थे तो उन्होंने उसके ऊपर नकली के 555 नंबर चिपका दिए थे। उनकी जैकेट, बाइक्स, कार हर जगह 555 नंबर है क्योंकि वह उन्हें लकी समझते हैं। क्या किंग खान की ये बात आपको पहले मालूम थी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।